नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओवरलोड के एक नए वीडियो में। मेरा नाम विशाल विदा डे और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाटा LPT 710 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी ट्रेंडिंग में है और हमने सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी का भी रिव्यू हम आपके लिए लेके आए। तो सामने आपके टाटा 710 LPT सेगमेंट में, और ये जो गाड़ी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस प्रोवाइड करती है और आपका जो कमर्शियल का जो भी पर्पज रहेगा उसके लिए आप ये गाड़ी जरूर यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, सामने से अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना, तो आपको 407 EX2 जो पुरानी वाली गाड़ी थी उसकी याद जरूर यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामने से अगर देखोगे तो यहाँ पे आप 710 का जो लोगो है वो भी देख सकते हो, यहाँ पे टाटा का लोगो है और जो सामने की ग्रिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है, और बम्पर जो है वो भी आपको मेटेलिक बम्पर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और हेलोजन है साइड के जो इंडिकेटर वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे यूज किए गए। तो ऐसा कुछ सामने से आपको लुक दिखाई देता है। सामने आपको दो वाइपर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत बड़ा ग्लास एरिया है ताकि ड्राइवर को विजिबिलिटी के लिए कोई भी इशू नहीं आता। और गाड़ी की लेंथ अगर देखोगे वो भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और को ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे 3 मिरर का यूज किया गया है ताकि सेफ्टी के हिसाब से ना, ये काफी ज्यादा टाटा मोटर्स ने अच्छा काम यहाँ पे किया है। और ऊपर स्टेप भी है ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर इजीली यहाँ पे आगे चढ़ सके। और व्हील अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको ब्लैक कलर में व्हील दिया जाता है। और इसका अगर साइज देखोगे आप तो साइज भी आपको बड़ा साइज यहाँ पे मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर देखोगे तो यहाँ पे यूज किए गए। तो ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन है, ऊपर की साइड जो लाइट्स है सेफ्टी के लिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ आपको जो डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, और आपको जो भी कमर्शियल यूज़ रहेगा उसके लिए आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। सामने के साइड अगर देखोगे तो आपको जो ड्रम ब्रेक है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, एयर का इसमें यूज किया गया है। और सस्पेंशन देखोगे तो सस्पेंशन में भी आपको जो लिफ्ट टाइप जो सस्पेंशन है वो भी मिल जाता है, और इसमें शॉक अब्सॉर्बर का जो यूज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा खासा जो स्ट्रेंथ है ना वो यहाँ पे यूज किया गया है, और सेफ्टी गार्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो ताकि आप इजीली जहाँ पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे आप जो सेफ्टी गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्पेयर व्हील भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो चासीज है गाड़ी की वो भी आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ की चासी यहाँ पे मिल जाती है, और जो एयर के सिलेंडर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो गाड़ी है ना दोस्तों, तो पिछले वाली साइड जहाँ पे डेक एरिया है वहाँ पे भी आपको बड़ी साइज का जो डेक एरिया है यहाँ पे मिल जाता है। पीछे के साइड के अगर आप टायर के साइज देखोगे तो 8-25-16 मतलब 16 इंचेस के जो टायर है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले वाले साइड में जो सस्पेंशन है वो भी लिफ्ट टाइप जो सस्पेंशन है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है ताकि आप जो भी मटेरियल लेके जा रहे हो वो भी इजीली और अच्छी तरीके से लेके जा सके। और रियर साइड का अगर सस्पेंशन देखोगे आप तो ऐसा कुछ लिफ्ट टाइप जो सस्पेंशन है आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, इस गाड़ी का मेन एडवांटेज है इसका डेक एरिया, मतलब जहाँ पे आप मटेरियल रख सकते हो। और इसकी बॉडी अगर देखोगे तो 14.3 फुट की आपको लेंथ यहाँ पे मिल जाती है, और अगर विड्थ देखोगे तो विड्थ आपको 6 फुट 9 इंच की जो विड्थ है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और रियर साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ पे जो पार्किंग सेंसर है वो भी आपको 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं, एक सेफ्टी गार्ड भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो टेल लैंप का डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में हम बात करेंगे तो 60 लीटर का डीजल का फ्यूल टैंक आपको डेडिकेटेड यहाँ पे मिल जाता है, और 18 लीटर का DF मतलब जो एडबुल रहता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इसके साइड में आप सेफ्टी गार्ड भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन है। और उसके बाद अगर हम इंजन की बात करेंगे तो इंजन में आपको इस गाड़ी में पावरफुल इंजन दिया जाता है जो कि 2956 cc का है, 4 सिलेंडर है, और इसकी अगर पावर फिगर देखोगे आप तो 134 bhp और 300 Nm टॉर्क ये जनरेट करता है। और ये पावर फिगर आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाती है, कोई भी मटेरियल लेके जा रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इजीली लेके जा सकते हो। और क्लच अगर देखोगे गाड़ी का तो सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप जो क्लच है आपको यहाँ पे मिल जाता है, और 280 mm का इसका डाया आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ड्राइवर के लिए 1 लीटर की बोतल यहाँ पे रख सकते हो, और ये जो सीट है ना ये आप रिक्लाइन आगे पीछे भी कर सकते हो ताकि ड्राइवर इजीली गाड़ी चला सके। और चाबी अगर देखोगे तो चाबी ऐसे कुछ आपको चाबी यहाँ पे मिल जाती है, तब फुट स्टेप भी है ताकि आप इजीली ऊपर जा सके। तो मैं ऊपर जाता हूँ, और
ये जो ड्राइवर सीट है ना, यहाँ से आपको ये स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा दिखता है, और आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक ऐसा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। और इसका गैप देखोगे तो वो भी आपको अच्छा खासा बड़ा गैप यहाँ पे मिल जाता है। और ये देखोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डिजिटल है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो RPM मीटर है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज आप यहाँ पे देख सकते हो, टेम्परेचर, यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और अपना DF कितना है, इसके बाद एयर कितना है गाड़ी में, मतलब जो एयर प्रेशर रहता है वो कितना है, कितना टाइमिंग है बैटरी, उसके बाद गियर शिफ्ट इंडिकेटर और बहुत सारे फीचर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये एडवांस लेवल का है, तो इसकी वजह से ना मतलब एक ड्राइवर को भी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा एक विकल्प यहाँ पे हो जाता है। और इधर अगर देखोगे तो इसमें कूलर भी दिया गया है, ताकि जो ड्राइवर है वो भी अगर लॉन्ग जर्नी के लिए जाता है तो ईजिली यहाँ से वहाँ तक जा सकता है। और ये जो है ना ब्लोअर है, एसी नहीं है बट ब्लोअर यहाँ पे दिया जाता है। और इधर अगर देखोगे तो 5 वोल्ट का जो USB पोर्ट है वो भी दिया गया है, ताकि वो आप कनेक्ट कर सके अपने मोबाइल वगैरह गैजेट से, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा अगर देखोगे तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको भी डेडिकेटेड यहाँ पे दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम भी है, 4 स्पीकर गाड़ी में यूज किए गए हैं, ताकि है, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है, तो आप इजीली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो गाड़ी को और गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पे बटन्स अगर देखोगे तो वो भी आपको अच्छे खासे क्वालिटी के यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो USB के जो पोर्ट है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे ऑक्स केबल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो भी अच्छी बात है कि आपको जो कॉक्स केबल है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। और क्लच अगर देखोगे गाड़ी का, क्लच भी आपको लाइट क्लच मिल जाता है, और इसकी वजह से ना गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई है। और इस हिसाब से मगर अगर देखोगे तो क्लच लाइट होने के कारण आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो वाइपर के कंट्रोल हैं, यहाँ पे हेडलाइट के जो कंट्रोल है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और इमरजेंसी कुछ हुई तो यहाँ से अगर देखोगे तो जो बटन है वो भी आपको इमरजेंसी स्विच यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे कुछ फीचर है एड ऑन। और गाड़ी स्पीड लिमिट 80 का जो स्पीड लिमिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अगर देखोगे जो स्पेस है वो स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है, ये सीट है वो भी अच्छी बड़ी आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक ग्लास एरिया है देखोगे वो भी बड़ा आपको मिल जाता है, LED जो लैंप है वो गाड़ी में यूज किए गए हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है वो इसमें दिया गया है, और ईजी है, मतलब आप शिफ्टिंग के लिए ईजिली गाड़ी शिफ्ट कर सकते हो। और कुछ रह गया हमारा, तो ऐसा कुछ है कैबिन जो कि आप इजीली यहाँ पे अगर सोना है ड्राइवर को तो वो भी इजीली सो सकता है। विजिबिलिटी देखोगे तो विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी बड़ी यहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ था टाटा 710 के बारे में। और ये गाड़ी है ना, मतलब जो भी पर्पस रहेगा आपका उस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। और ये बड़ी है, मतलब जो सेगमेंट में ये गाड़ी आती है ना डीजल में, तो ये बड़ी गाड़ी है। तो इसके अगर प्राइस देखोगे आप तो 17,27,000 इसकी एक शोरूम कीमत है। और ऑन रोड पे अगर बात करोगे आप नवंबर 2022 में तो इस गाड़ी की प्राइस है 18,36,000। और इस प्राइस में आपको अगर ये गाड़ी वर्थ लगती है तो डेफिनेटली आप इसका जो विचार है वो ज़रूर कर सकते हो। और गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर है जो कि आपको एडवांस लेवल के फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं। वारंटी अगर देखोगे आप तो 3 ईयर्स और 3 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है वो इसमें मिल जाती है। वारंटी भी आपको तगड़ी वारंटी इसमें मिल जाती है, ताकि आप अपना जो बिजनेस है वो भी दुगना कर सके। तो दोस्तों ये कुछ था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो अपने चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।